This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग? Friends, आज मैं आपके लिए RDP की एक नया method लेके आया हूँ. और यहाँ पर हम ngrok और GitHub के code space को use करके एक RDP create करना सीखेंगे. बस आपसे request है कि आपने पूरी video देखनी है और कहीं से भी इसे skip नहीं करना है. और अगर आपके पास time कम है तो आप speed up करके video को देख लें, नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि आपके बताए हुए method से हमारा काम नहीं हुआ. तो friends, video start कर. तो सबसे पहले हमें कुछ commands की जरूरत होगी. तो ये हमारी commands हैं. ये मैं आपको अपने blog में डाल दूंगा और blog का link मैं description box में दे दूंगा. तो आप वहां से इन commands को लेके आप use कर पाएंगे. RDP create करने का process start करते हैं. तो सबसे पहले आपने GitHub, तो सबसे पहले हम Google में search कर लेंगे github.com/codespace और आपको ये वेबसाइट, ये इंटरफेस शो होगा. ओके, सर्च करने के बाद जब आप उस वेब लिंक को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक कर लेना है. प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू कोड स्पेस, आप इस पर क्लिक कर लेंगे. ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले रिपोजिटरी को सिलेक्ट करना है. तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको यहाँ पर रिपोजिटरी शो होगी. आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से चूज कर लीजिए. ब्रांच को आप मेन ही रहने देंगे. रीजन हमें चार मिल रहे हैं यहाँ पर, यूरोप वेस्ट, साउथ ईस्ट, एशिया ईस्ट, यूएस ईस्ट और यूएस वेस्ट. आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं. मशीन टाइप आपको 2 कोर 8GB रैम और 32GB स्टोरेज, और एक आपको मिल रही है 4 कोर 16GB रैम और 32GB स्टोरेज. हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट 2 कोर होता है और 8GB के साथ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 4 कोर. उसके बाद आपने क्लिक कर देना है क्रिएट कोड स्पेस पर. बाकी जो इस तरह के पोर्शन होंगे जहां पर थोड़ा टाइम लगता है उनको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल लेंगे. यहां से जो हमें आरडीपी मिलेगी वो आपकी 50 आवर्स के लिए चलती है और वो भी बिना किसी दिक्कत के. ओके, तो ये हमारा कोड स्पेस ओपन हो रहा है. यहाँ पर हमने इन सारी कमांड्स को रन करना है. तो जिस तरह से मैं वीडियो में करूंगा आपने सेम उसी तरह से फॉलो करना है. आपने इन कमांड्स को सिलेक्ट करना है वन बाई वन और कॉपी कर लेना है यहाँ से और अपने गेटअप के अंदर जाकर उन्हें पेस्ट करके रन करते रहना है. ओके, तो हम इस पेज को लोड होने देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं. सबसे पहले हम डार्क मोड चूज कर लेते हैं ताकि आपको कमांड्स वगैरह प्रॉपर विजिबल हो सके. ओके, तो ये हमारा टर्मिनल आ चुका है. ये देखिए, ये टर्मिनल शो हो रहा है @sartajmai, उसके बाद एरो की वर्कस्पेस अनीता मेन. तो इस जगह पर हमने कमांड्स को पेस्ट करना है और रन करना है. ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ओके, तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर शो होगा अलाउ और ब्लॉक के लिए, क्योंकि जो आपके क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट और इमेजेस हैं उन्हें कॉपी किया जाए या पेस्ट किया जाए या ना किया जाए, तो आपने यहाँ पर अलाउ कर लेना. उसी के साथ देखिए ये कमांड हमारी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है. फिर आपने इंटर प्रेस कर देना है. ओके, तो हम वन बाई वन इन सारी कमांड्स को जल्दी जल्दी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एक्सिक्यूट कर लेते हैं. तो आप भी सेम यही प्रोसेस फॉलो कीजिए. आई थिंक कमांड में स्पेस है, मैं इसे रिमूव करता हूँ. हाँ, पहले हमारी कमांड ये एक्सिक्यूट नहीं हुई थी. देखिए, जब मैंने पहले इसे रन किया तो इसी तरह से बस शो हो गई है, बंद हो गई थी, जबकि यहाँ पर स्पेस की वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी. तो ये आपकी win.iso फाइल को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा. ओके, तब तक हम लोग थर्ड लाइन को कॉपी कर लेते हैं. मैं इनका फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ ताकि ये एक लाइन में रहे. तो हमारी कमांड्स दो दो लाइन में जा रही है ताकि हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. तो इसे बड़ा कर लेते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर भी देखिए स्पेस हो गया था, साथ में कॉलन आ गया, गलती से मैंने कॉपी करने के टाइम ले लिया. ये तो चीजों का आपने ध्यान रखना है. जो आप कमांड कॉपी करेंगे यहां से, तो जहां से लिखना स्टार्ट हुआ है यहां से लेकर हमने यहां तक कमांड को कॉपी करना है, ये साथ में कॉलन नहीं आने चाहिए. तो आप क्या कीजिए, आप अगर दिक्कत क्रिएट होती है तो आप कीबोर्ड की हेल्प से एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो पीछे से आगे को इसे कॉपी पेस्ट सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पर हमने
ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है, बट हमारे पास अंत टोकन होना चाहिए एनजीरोक का। तो हम एनजीरोक वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से अपने इस अंत टोकन को कॉपी कर लेंगे। ओके, ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिलता है आपको। तो अगर एनजीरोक पर आपको कैसे ये नहीं पता कि कैसे अकाउंट बनेगा और गिटहब पर अकाउंट नहीं बनाना आता, तो आप कमेंट करना, मैं आपको ये अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। इस लाइन में आपने डॉट से स्टार्ट करके करना है, ऐसे देखिए, यहाँ डॉट से स्टार्ट होनी चाहिए ये, और ये नेक्स्ट भी आपकी यहाँ डॉट से स्टार्ट होगी, ठीक है। कीबोर्ड की से हम लोग शिफ्ट प्लस एरो की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम ये वाली कमांड रन करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कंट्रोल सी टू क्विट, पर इसे यूज नहीं करना है। आपने यहाँ प्लस पर क्लिक करके एक और टर्मिनल ओपन कर लेना है और उसे खुला रहने देना, ठीक है। अब हम अगली कमांड पर चलेंगे, सुडो एपीटी अपडेट पर। तब तक हम नेक्स्ट कमांड कॉपी कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड, उसके बाद अगली ये कमांड थोड़ी सही करनी है, रह गई थी। तो ये यहाँ पर 32G है, वैसे तो मैं ब्लॉक था डालने के टाइम इसे एडिट करके डालूंगा, फिर भी आपने ध्यान रखना है, कई बार दिमाग में नहीं रहती चीज। और ये हमारी लास्ट कमांड है और ये बूट कमांड के लिए यूज किया जाता है इसे। ओके, यहाँ पर आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं शो होगी, बट जब ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपने एनजीरोक पर जाना है और जीरो से लेके इस पोर्ट नंबर तक आपने कॉपी कर लेना है, इसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, ठीक है। फिर हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी रियल वीएनसी के, तो आप गूगल में सर्च करके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत इजी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो ये जो हमारे बाकी टैब्स ओपन है इन्हें हम लोग कर लेते हैं बंद। ओके, यहाँ पर जो हमने एड्रेस कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लीजिए, सॉरी गलत हो गया, नहीं हुआ ये कॉपी, तो फिर से चलते हम, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, और कई बार ये एरर शो होती है, आपने घबराना नहीं है, इसे क्लोज कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर वापस आइए गिटहब के अंदर, और ये जो सुडो वाला टर्मिनल है इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी। ओके, उसके बाद आपने इस कोड को फिर से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाकर इसे फिर से पेस्ट कर लेना है कंट्रोल वी के साथ, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना। फिर हम फिर यहाँ पर एड्रेस ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पर आप इंटर प्रेस करके इसे रन करके ट्राई कीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, अब ये हमारा एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब जिस तरह से आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में कंप्यूटर में, उसी तरह से अपने विंडोज को एक बार इंस्टॉल कर लेना है अपने आरडीपी के अंदर। तो मैं इसे मैक्सिमाइज बड़ा कर लेता हूं और यहां से मैं इसका साइज कर देता हूं स्केल। तो इस तरह के विंडोज आपको इंस्टॉल करनी आती है, और इस ये पोर्शन को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल देंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको विंडोज की इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें, मैं आपको वो भी बना के दे दूंगा। तो यहाँ पर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेंगे।
अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरी एक वीडियो है कि आप लोग आउटलुक एक्सप्रेस पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और वहां से सीख लें कि आपने ये अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। लोकल अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ यूजर नेम दे दीजिए, पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप पासवर्ड रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। हमारे ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डेस्कटॉप लोड हो चुका है, तो हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है, इसे आपने राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर लेना है, ये यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप इसे स्टार्ट विद योर डाटा कर लीजिए, चाहे आप अपनी मेल के थ्रू लॉग इन हो जाइए, तो ये प्रेफरेंसेज है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इंटरनेट चेक करवा देता हूँ कि चलता है या नहीं चलता। तो मैंने YouTube ओपन की, YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पर हम किसी भी एक वीडियो को प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो हमारी प्ले हो रही है, तो मींस इंटरनेट वर्किंग में। अब मैं आपको आईपी चेक करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आईपी है और लोकेशन है महाराष्ट्र पुणे की। और अगर मैं आपको अपना एक्चुअल आईपी दिखाऊं यहाँ पर उसी वेबसाइट से शो करता हूँ जो मैंने वहां आरडीपी में ओपन किया, कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा आईपी है 49 से स्टार्ट हो रहा है और आरडीपी के अंदर जो हमें आईपी मिला है, आई थिंक गलती से मेरे से बंद हो गई, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं इसे, कोई बात नहीं। अगर आपको इस तरह की एरर शो होती है तो उस केस में आपने क्या करना है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस कोड को दोबारा जो लाइन 12 वाला कोड है उसे कॉपी करेंगे और गिटहब के अंदर जाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे, सॉरी ट्रोवर हो गया मेरे से, ठीक। और उसके बाद आप अपनी आरडीपी को कनेक्ट कर लीजिए दोबारा से। तो सॉरी वो मेरा मिस्टेक था, मैंने यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा आईपी है वो है 4943 और ये पाउटा साहब हिमाचल प्रदेश शो कर रहे हैं। और जो हमारा आरडीपी के अंदर आईपी है वो मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देता हूँ। बाकी अगर काम करते हुए ये इस तरह से डिस्कनेक्ट होती है तो भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। आप अपने कोड स्पेस के अंदर जाएंगे गिटहब के अंदर और जो जो लाइन 12 वाली कोड है उसे फिर से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और आप अपने आरडीपी को कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आरडीपी इजिली रिकनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप लाइव देख रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके यहाँ पर दिखाया, से भी गलती से बंद हो सकती है और किसी एरर की वजह से भी ये बंद हो सकती है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई इस तरह की एरर क्रिएट होगी तो ये बंद हो जाती है बीच में, तो उसे दोबारा कैसे कनेक्ट करना है तो आपने ये मेथड यूज कर लेना। तो हम एच को दोबारा ओपन कर लेते हैं और पेज को यहाँ पर रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र पुणे है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पाउटा साहब है, ठीक है। अब मैं आपको इंटरनेट की स्पीड दिखा देता हूं यहाँ पर। तो अब हम इंटरनेट की स्पीड चेक कर लेते हैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, ताकि आप खुद समझदार हो कि इस आरडीपी से आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो डाउनलोड स्पीड हमारी 40 Mbps है और अपलोड स्पीड तकरीबन 18 से 20 Mbps रहेगी। तो ये जब तक होती है मैं आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करवा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इसे बंद कर देते हैं और मैं आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करवा देता हूँ ब्राउजर को बंद करके। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर AMD का प्रोसेसर मिला है। उसके बाद नीचे अगर स्क्रोल करते हैं हम लोग तो हमारे पास टोटल 12 GB रैम है और टोटल वर्चुअल मेमोरी के साथ 14.4 GB टोटल रैम है,
तो ये थी कि हम विंडोज की आरडीपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं एनजी रॉक और गिटहब स्पेस को यूज करते हुए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो आगे इस आरडीपी को कैसे यूज करना है, किस काम के लिए यूज करना है, ये आपको मेरे से भी ज्यादा पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।